नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस जो गुड मैनर्स में है, अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो नंबर टू करेंगे हम, नंबर टू क्वेश्चन जो है, और उन उसमें पहले लिखा गया है क्या करना है। इन एक्सरसाइज 2 to 4 बिलो री राइट ऑल द सेंटेंसेस लाइक सेंटेंसेस नंबर टू बिलो। तो वो आई जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली नंबर टू है, क्योंकि दो आई हैं। तो नंबर टू पहला आई देखिए, परहैप्स ही विल बी सिवियरली इंजर्ड, माने हो सकता है कि ही विल बी, वो जो है एक आदमी, ही विल बी सिवियरली इंजर्ड, उनको बहुत चोट लग जाएगी। और फिर नंबर टू डबल आई देखिए, ही मे बी सिवियरली इंजर्ड, तो वही मतलब है, माने कि हो सकता है ये आदमी जो है उसको बहुत चोट लगे। तो नंबर टू आई और टू डबल आई का मतलब एकदम सेम है, पर एक में है परहैप्स ही विल बी, और फिर दूसरे में है ही मे बी। तो उन्हें चाहिए कि परहैप्स ही विल बी चेंज करें टू ही मे बी। अच्छा, अब नंबर टू ए देखिए, परहैप्स ही विल बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर, तो इसे चेंज करके बोलेंगे ही मे बी प्रमोटेड नेक्स्ट ईयर। अच्छा, नंबर टू बी, परहैप्स द कॉर्न विल बी कट नेक्स्ट वीक, हो सकता है वो भुट्टा जो है वो अगले हफ्ते कटेगा। नाउ टू बी को अब चेंज करेंगे हम, द कॉर्न मे बी कट नेक्स्ट वीक। ओके, नाउ नंबर टू सी, परहैप्स द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, हो सकता है कि जो रिजल्ट है, एग्जाम का जो रिजल्ट है वो ट्यूसडे को अनाउंस करेंगे। इसको चेंज करेंगे, परहैप्स द रिजल्ट को चेंज करेंगे, द रिजल्ट मे बी अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे। जो विल बी जो है निकाल के, द रिजल्ट मे बी अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, सो परहैप्स द रिजल्ट उसे बनाना है द रिजल्ट मे बी, और बीच में जो विल बी है वो निकल जाता है। ओके, नंबर टू डी, परहैप्स द थिएटर विल बी क्लोज टुमारो, हो सकता है कि थिएटर कल बंद हो, इसको चेंज करेंगे, परहैप्स द थिएटर को बनाएंगे द थिएटर मे बी, और जो फिर से वो विल बी जो है वो निकल जाता है, सो परहैप्स द थिएटर मे बी क्लोज टुमारो, विल बी निकल जाता है। तो नंबर टू कंप्लीट हुआ। नंबर थ्री, वुड यू प्लीज पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, इसे चेंज, ये पहला वाला है एग्जाम्पल जो है, इसे ऐसे चेंज करना है। नंबर थ्री टू देखिए, आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू वुड इफ यू वुड पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। तो वुड यू प्लीज को चेंज करते हैं आई शुड बी ग्रेटफुल। ठीक है, तो नंबर थ्री ए देखिए, वुड यू प्लीज टर्न द लाइट ऑफ, आप प्लीज लाइट बंद कर दें, तो इसे चेंज करना है, वुड यू प्लीज को चेंज करेंगे आई शुड बी ग्रेटफुल इफ यू। ठीक है, तो वुड यू प्लीज टर्न द लाइट ऑफ हो जाएगा आई शुड बी ग्रेटफुल इफ यू टर्न द लाइट ऑफ। अब नंबर थ्री बी, वुड दे प्लीज गेट द डिनर रेडी, इसे चेंज करके बोलेंगे आई शुड बी ग्रेटफुल इफ दे वुड गेट द डिनर रेडी। ठीक है, सो वुड दे प्लीज चेंज हो गया आई शुड बी ग्रेटफुल इफ दे। ठीक है, नंबर थ्री सी, वुड दे प्लीज रिपेयर माय टाइपराइटर, एक्चुअली वुड बी लिखा हुआ है, हो सकता है लिखना चाहते थे वुड ही। ठीक है, तो हम ऐसे ही समझते हैं, वुड ही प्लीज रिपेयर माय टाइपराइटर, आई शुड बी ग्रेटफुल इफ ही रिपेयर्ड माय टाइपराइटर। ठीक है, देन वुड यू प्लीज लीव द रूम, आप प्लीज रूम से बाहर जाएं, तो वुड यू प्लीज आई शुड बी ग्रेटफुल इफ यू लीव द रूम। ठीक है, तो वो चेंज कर दिया। ओके, नंबर फोर, से अ लिटिल
देन कीप क्वाइट, नंबर फोर आई, छोटा आई जो है नम, और देखिए सेकंड वाला नंबर फोर दो आई जो है, व्हेन यू हैव सेड अ लिटिल कीप क्वाइट, तो से अ लिटिल देन कीप क्वाइट, और फिर उसे चेंज करके बोलते हैं व्हेन यू हैव सेड अ लिटिल कीप क्वाइट, तो इसका जो है टेंस बदल जाता है, माने से अ लिटिल देन कीप क्वाइट, जैसे आप किसी को बोल रहे हो थोड़ा सा बोलो और फिर चुप रहो, से अ लिटिल देन कीप क्वाइट, माने वो प्रेजेंट टेंस है, मीनिंग अभी जो आप बोल रहे हो, पर अगर आप बोलोगे कि व्हेन यू हैव सेड अ लिटिल कीप क्वाइट, जब आपने थोड़ा सा बोल दिया है तब आप चुप रहिए, तो ये डिफरेंस है, ठीक है, से अ लिटिल देन कीप क्वाइट, व्हेन यू हैव सेड अ लिटिल कीप क्वाइट। अब देखते हैं 4A, टेक योर शूज ऑफ देन गो अपस्टेयर्स, तो इसे चेंज करेंगे व्हेन यू हैव टेकन योर शूज ऑफ गो अपस्टेयर्स, ठीक है, तो टेक योर शूज ऑफ को चेंज करेंगे व्हेन यू हैव टेकन योर शूज ऑफ गो अपस्टेयर्स, ओके। 4B, लोड योर गन्स देन वेट फॉर द कमांड, अपनी गन लोड कीजिए और फिर इंतजार कीजिए कि आपका जो लीडर है क्या बोले, कमांड आपको क्या देगा, तो लोड योर गन्स को चेंज करेंगे व्हेन यू हैव लोडेड योर गन्स, ठीक है, तो लोड योर गन्स देन वेट फॉर द कमांड, उसे चेंज करके बोलेंगे व्हेन यू हैव लोडेड योर गन्स देन वेट फॉर द कमांड, ठीक है। देन नंबर सी, रीड द टेक्स्ट देन आंसर द क्वेश्चंस, पहले जो है लेसन पढ़िए फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, रीड द टेक्स्ट देन आंसर द क्वेश्चंस, इसे चेंज करेंगे व्हेन यू हैव रेड द टेक्स्ट आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, तो रीड द टेक्स्ट को चेंज करेंगे व्हेन यू हैव रेड द टेक्स्ट, और आंसर द क्वेश्चंस वही रहेगा, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है वो वही रहता है। लाइट द स्टव देन पुट द केटल ऑन, लास्ट वाला जो है 4D, लाइट द स्टव देन पुट द केटल ऑन, इसे चेंज करेंगे, खाली बिगेनिंग चेंज करेंगे, लाइट द स्टव को चेंज करेंगे खाली, और जो देन पुट द केटल ऑन वो वही रहेगा, लाइट द स्टव देन पुट द केटल ऑन, व्हेन यू हैव लिट द स्टव देन पुट द केटल ऑन, तो लाइट द स्टव चेंज होगा टू व्हेन यू हैव लिट द स्टव, ठीक है, ओके, तो ये वाला अब मैं बंद करती हूँ, फिर पांचवा करूँगी अगले वीडियो में।